Hi everyone, welcome back to my channel. It's your girl Simran. So in today's video, I'm gonna try Ananya Pandey's DIY face pack. You must have already guessed from the title. मैं YouTube पे एक video देखी, उन्होंने कुछ DIY face pack करके अपने face पे लगाया था. And she was telling that it's her favorite, one of the favorite face pack that she do. I think the ingredient list was very nice. And क्योंकि मुझे सारे ingredients अपने घर पर ही मिल गए, so it's very very convenient. आप अपने घर पे आराम से इसको बना सकते हो. Today I'm gonna share that face pack with you, and I'm gonna talk about my experience, if I like that or not, should you try that or not, and how I feel about that particular face pack. Yeah, if you are new on my channel, if you like the content and the vibe, then do not forget to subscribe my channel, press the bell icon, and also comment down below what other kind of a video you want me to make. So yeah, without no further delay, let's get started. Guys, now we will do that face pack, but पहले मैं अपनी skin को अच्छे से clean कर लेती हूँ, like face wash कर लेती हूँ and makeup को remove कर लेती हूँ, because I was filming some videos, so that's why थोड़ा बहुत makeup है skin पे, so उसको पहले remove कर लेते हैं. देन आई एम गोना वॉश माय फेस. सो यू सपोज टू यूज एनी गुड फेस वॉश, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन यूज दैट, एंड देन वी विल डू आवर फेस पैक. ओके गाइज, अभी मैं फेस वॉश अच्छे से कर चुकी हूँ. सो दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग वेरी वेरी ड्राई. आई नो आपको कैमरा पर उतना पता नहीं चल रहा होगा, बट दिस पार्ट इज फीलिंग वेरी ड्राई, एंड विंटर्स की वजह से द स्किन इज फीलिंग सो ड्राई एंड सेंसिटिव. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स दैट यू नीड फॉर द फेस पैक. सो आपको बस चाहिए हनी, देन कर्ड एंड देन टर्मरिक, दैट्स इट. ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू बाय एनी इंग्रेडिएंट, एंड आई फील दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो आई एम गोना ट्राई टू फॉलो हर वीडियो राइट नाउ, लेट मी सी दैट. मोस्टली आपको थोड़ा सा योगर्ट ले लेना है, दिस इज हाउ मच क्वान्टिटी आई नीड, एंड आपको जितना चाहिए आप उस अकॉर्डिंगली ले सकते हो. नेक्स्ट आपको चाहिए थोड़ा सा हल्दी, सो सी एडेड अ पिंच ऑफ हल्दी इन हर फेस पैक. सो आई एम गोना डू द सेम, थोड़ा सा बस हल्दी लेना, अदरवाइज योर फेस विल लुक येलो. ऑफकोर्स ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, बट स्टिल लाइक हमको थोड़ा सा ही हल्दी यूज करना है. नेक्स्ट आपको चाहिए हनी. आई एम यूजिंग दिस डाबर हनी, बट अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक हनी है ना, तो आप उसको यूज करना, वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए. सो आई एम गोना टेक दिस मच आई फील, एंड I hope you can see how much I have added. As these are the only three ingredients that you need to make this face pack, and just इसको mix कर लेना है आपको. I'm using my finger guys, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी spoon नहीं है. This is going to be the consistency. एक चीज ध्यान रखना, आपको thick curd लेना है, पतला वाला मत लेना. So next, let me just apply it all over my face. आपको ना ये सारी चीजें वॉशरूम में करना, मैं जहां पे कर रही हूँ ना, मेरी मम्मी अभी मुझे डांटेगी आके. सी आई एम डन विद द एप्लीकेशन, एंड इस तरीके से आपको पूरे फेस पे बस अप्लाई कर लेना है, जैसे आप नॉर्मल अपना फेस पैक अप्लाई करते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू कवर योर नेक, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज, आई सॉ इन द वीडियो दैट सी वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग. तो आपको 15 मिनट के ऊपर इसको नहीं रखना है. वॉश योर फेस विद इन 15 मिनट, जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तभी ही आपको वॉश कर लेना चाहिए. गाइज, टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस फेस पैक, आई फील ये फेस पैक की इंग्रीडियंट ना बहुत सही है, क्योंकि इसके अंदर हनी है एंड कर्ड है एंड टर्मरिक है. Which all these three ingredients are great for your skin, and मैं इसको already बहुत सारे video में बोल ही चुकी हूँ. And आपके लिए अगर आपका skin dry है ना, ये face pack I think आपके लिए best रहेगा, because this is winter season, so everybody can use this face pack, because it's for all skin type. I feel सबके ऊपर ही suit करेगा. लेकिन अगर आपका face dry है ना, तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, because इसके अंदर जो ingredients है ना, these are very very moisturizing, nourishing and hydrating for your face. Like honey है इसके अंदर, जो आपके face को अच्छे से glow देगा एंड बहुत अच्छा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. एंड इसके अंदर कर्ड भी है, जो आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा डीपली. एंड इसके अंदर टर्मरिक है, विच हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. सो आपका अगर अपने प्रॉन स्किन है ना, तो आपके अपने को भी काम डाउन करने के लिए हेल्प करेगा, एज हनी इज ग्रेट फॉर योर स्किन, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट. सो या आई एम गोना कीप इट फॉर 10 to 15 मिनट, एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश माई फेस एंड आई विल शेयर द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू.
Alright guys, you can see I have washed my skin and मेरे face पे अभी कुछ भी नहीं है. And can you guys see that glow? Oh my god, it just gives instant glow to your skin. I feel that. Guys, I have used this ingredient in different format, but इनको combinedly I never used and first time I used this face pack. Guys, जब इसको मैं wash की ना तब मेरी face थोड़ा सा you know oily लग रहा था जब मैं इसको wash की because it contains like all the moisturizing and hydrating ingredient and मेरी skin थोड़ा सा oily है so उस वजह से मुझे थोड़ा सा feel हुआ कि हाँ oily लग रहा होगा skin. जब मैं उसको pat dry की towel के साथ and after that I saw this beautiful glow and I love this particularly for this season. I guess it's a very good face pack to go for and agar aapki skin dry hai na tab aap isko har season mein use kar sakte ho. I feel that because it just gives instant glow. Guys, can you see like my skin is feeling so supple. I hope you could touch it. My skin is feeling so supple, hydrated and moisturized. Guys, if you have dry skin you are going to love this face pack. So yeah guys, that was it about today's video. I hope you liked it. If you did then don't forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon, also comment down below what other kind of a video you want me to make. And if you like the video then I will try to make a series of these in which I'm gonna try so many Bollywood celebrity face pack or whatever they do using the home remedies. I'm gonna try and share my experience in those videos. So if you want me to make something like that then please comment down below. I will surely try my best to make that for you. So yeah, that's it for today's video. I will see you in my next video. Bye.